पीएफएससी 2023 का जो इंटरव्यू है, पर्सनालिटी टेस्ट है, आपका 3 डेज बाद स्टार्ट होना है, 13th को स्टार्ट होना है। जिनका फर्स्ट वीक में है, जिनका फर्स्ट डे है, सेकेंड डे है, उनका प्रिपरेशन करीब करीब कंप्लीट होगा। एवरी टाइम जब आप इंटरव्यू में जाते हो, कितना भी आप प्रिपेयर्ड होते हो, कुछ ना कुछ डाउट्स जरूर होते हैं, कुछ ना कुछ कंफ्यूजन जरूर होते हैं। इसका कारण क्या है कि ये एक ऐसा सिचुएशन नहीं है कि जिसमें आपको 10 क्वेश्चन दे दिए गए और सेलेक्ट द 5 क्वेश्चन एंड रिप्लाई नो। एवरी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और एवरी क्वेश्चन पे फॉलो अप क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, आपको वो गलत भी ठहरा सकते हैं वहां। तो सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है। बिफोर गोइंग टू इंटरव्यू बोर्ड, अपने आप से कुछ क्वेश्चन पूछो। अपने आप से सबसे जरूरी है कि आप रिस्पॉन्सिबल हो अपने सिलेक्शन के लिए, आप अपने को जानते हो, अपने जो स्ट्रेंथ है, अपने जो वीकनेस है उसको आप जानते हो। तो कुछ क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने आप से पूछो। सबसे पहली बात है कि आपके पास क्या स्ट्रेंथ है, आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट, जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसको फोकस रखो कि यस दीज आर माई स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स एंड आई शुड रिप्लाई मैक्सिमम ऑफ थिंग्स। सो सबसे पहले स्ट्रेंथ अपने जानो कि यस मेरे ये स्ट्रेंथ है, ये मेरा स्ट्रॉन्ग एरिया है, मैंने इस पे वर्क किया है। और वो नेचुरल फील होना चाहिए, वो नेचुरल लगना चाहिए। नेचुरल जितना रहेगा उतना अच्छा आपका होगा, ठीक है। सो नेचुरली आपको दिखाना है कि यस आई एम द कैंडिडेट हु इज रेडी टू ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। उसके बाद अपने आप से पूछो कि मेरी वीकनेसेस क्या है, मेरी यदि कुछ चैलेंजेस हैं, मेरे मैं कुछ चीजों को कवर नहीं कर पा रहा हूं, मेरी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो वो प्रॉब्लम आप आइडेंटिफाई करो। जब भी यूपीएससी में आपसे वीकनेसेस पूछे जाते हैं तो वीकनेसेस इस ढंग से होने चाहिए जो कि लगे कि उसमें कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ भी छुपा हुआ है। वीकनेसेस का डायरेक्ट ये मतलब नहीं है कि मैं, मेरी बहुत खराब हैबिट है कि मैं ये सिगरेट पी रहा हूं, या मैं अपने फैमिली की बात नहीं मानता हूँ, या दुनिया में मैक्सिमम लोग मुझे इडियट्स नजर आते हैं। वो जो जैसे है ना मार्कंडेय कार्टून जी का कि 90+ लोग एक तरह से इडियट्स हैं, और जब बोलते हैं कि कुछ और चीजों को मैंने देखा तो मुझे लगा कि वो 90 वाला को रेंज को हमें बढ़ाना पड़ेगा। तो वो चीज नहीं करना है। जब तो भी वीकनेसेस हो तो कुछ ऐसे सिचुएशंस हो, कुछ ऐसे इश्यूज हो जिसमें कहीं ना कहीं आपके स्ट्रेंथ छुपे हुए हैं। जब आप बोर्ड में जाते हो तो आप कुछ भी लेकर के नहीं जाते हो, एक तरह से अपने दिमाग और बॉडी माइंड के अलावे आपका अपना जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है, आपका जो अपना बॉडी है उसको लेकर के जाते हो। जब भी वहां जाओ तो थोड़ी देर में आप 1 से 2 मिनट में प्रॉपर कॉन्फिडेंट कॉन्फिडेंट कंडीशन में आता हो। आपका कॉन्फिडेंस ही मेन मायने रखता है। आपने जो कुछ लर्न किया है, हर कैंडिडेट ने कुछ ना कुछ लर्न किया है, हर कैंडिडेट ने करीब करीब मॉक दिया हुआ है, कहीं ना कहीं कोई एक दो जहां भी जिनको मौका मिला, कुछ फ्रेंड्स के साथ दिए हुए होंगे, कुछ फैमिली मेंबर्स के साथ, कुछ कहीं कोचिंग में, कहीं जहां भी, तो आपने कहीं ना कहीं मॉक्स दिए हुए हैं, कुछ आपको सजेशंस मिले होंगे। हमेशा ध्यान रखो कि इसमें क्या है कि कोई भी 0 पे नहीं है, ना तो कोई 0 पे है और ना कोई 150 पे है। मैक्सिमम 150 और मिनिमम 0, तो 0 से भी कोई नहीं है और 150 में भी कोई नहीं है। लेट अस टेक, आप जान रहे हो कि मिनिमम 45 भी दिए गए हैं, मैक्सिमम भी 130 दिए गए हैं, तो कहीं ना कहीं आप अभी इस बीच में हो, कहीं भी आप लाई करते हो। तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है। एक चीज ध्यान रखो कि जो SSB, बहुत सारे कैंडिडेट्स हो SSB फेल किए हुए हो, जब SSB में आप जाते हो तो उस SSB में क्या होता है कि आपके बहुत सारे डायमेंशंस होते हैं, बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं जो फर्स्ट डे ही आउट हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन बहुत सारे हैं कि आप 5 डेज रहे, आपने देखा, उसको समझा, तो वहाँ एक डिफरेंट चीजें होती है कि वहाँ आप रिटर्न में बहुत अच्छा किए फिर भी आप पार हो सकते हो। लेकिन यहाँ एक एडवांटेज है कि आपका रिटर्न में इंटरव्यू दोनों मार्क्स मिला करके सही होता है, और कोई ऐसा नहीं है कि आपको तुरंत निकाल दिया जाएगा, नहीं, आपको टाइम दिया जाता है। तो अंतिम समय तक अपने से फाइट करते रहो। मकसद अब अपने आप से पूछो, आस्क योर सेल्फ वाई आई एम देयर। यदि आप इंटरव्यू बोर्ड में हो तो अपने आप से पूछो कि मैं यहाँ हूं किस लिए। तो आप वहां उस लिए हो कि अपना जो बेस्ट है
अपना जो प्लस पॉइंट है, अपने जो पॉजिटिविटी है, उसके बारे में उनको अवेयर करना। आप कितना जानते हो ये महत्वपूर्ण नहीं है, उस सिचुएशन में कैसा डिलीवर कर पाते हो ये इंपॉर्टेंट है। एक चीज ध्यान रखना कि वंस आपको इंटरव्यू के लिए कॉल मिला, यू हैव टू गिव फुल पोटेंशियल, अपना फुल अपना एनर्जी को लगा देना है। व्हाटसोएवर रिजल्ट्स, आई शुड गिव माई बेस्ट, आई शुड फोकस माई फुल एनर्जी, कंप्लीट एनर्जी इन दैट डायरेक्शन। तो अपने आप से जो स्ट्रेंथ है, वीकनेसेस है, अपॉर्चुनिटी है, थ्रेट है, जो जीवन के लर्निंग है, अब तक के जीवन में आपने क्या सीखा, कोई भी फोर्स प्रेफरेंस आपने क्यों दिया, किसी स्पोर्ट्स को, किसी एक्टिविटी को आपने यदि अपने प्रेफरेंसेस में रखे हैं कि हमने, हमारी वो हॉबीज है, हमने किसी टीम में पार्टिसिपेट किया है, तो उसके लिए आपसे कुछ प्रश्न आपके मन में होना चाहिए कि इससे क्या बेनिफिट्स हुए मुझे, क्या मैंने लर्न किया और इसकी क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। अपने आप से पूछो कि यदि हमसे पूछा जाता है कि इज देयर एनी सेकेंड अल्टरनेटिव इन योर लाइफ, इज एनी बी प्लान इन योर लाइफ, यू शुड बी एबल टू से दैट। सो अपने आप पे भरोसा रखना होगा। जो भी हैं, टीचर हैं, मेंटर हैं, फ्रेंड हैं, गाइड हैं, सारे के सारे आपके सपोर्टिंग थिंग्स हैं, आपके सब सपोर्ट करने वाले हैं। एट द एंड ऑफ द डे आपको ही परफॉर्म करना है। कितना भी अच्छा कोच रखा जाए, जब बल्ला आपके हाथ में है ना, तो उस बल्ले को हिट करना, जो बॉल को है, वो कोच आपका नहीं करेगा, वो आपके दर्शक नहीं करेंगे, वो आपको अपने आप से करना है। जितना कॉन्फिडेंट रहोगे उतना फायदा होगा। कभी कभी लाइट मोमेंट्स आएंगे, तो उस लाइट मोमेंट्स को शेयर करना है, आप उनके साथ आपको होना है, आपको उनके जो फ्लो है उस फ्लो में बहना है। तो अपने आप से कुछ बेसिक्स प्रश्न रखो कि हाँ, मैं एक कैंडिडेट हूँ, मेरे में क्या स्ट्रेंथ है, मेरी क्या पॉजिटिविटी है, मेरे क्या वीकनेसेस हैं, उसको किस ढंग से हैंडल करना है। कुछ क्वेश्चन जो DAF से हमारे फ्रेम हो सकते हैं, वो उसको किस ढंग से हम हैंडल कर सकते हैं। कुछ रैंडम क्वेश्चन आते हैं, तो उसको किस ढंग से हम चीजों को कर सकते हैं। तो कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी, डाउट्स होता है, जिन्हें भी कुछ इंटरव्यू चाहिए, मॉक इंटरव्यू चाहिए, ऑब्वियसली मॉक इंटरव्यू पेड प्रोग्राम है, तो आप मैसेज कर सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर 8527146498 या टेलीग्राम नंबर 7404409096699 पे। ओके, थैंक यू।